आपने बहुत सारी वेबसाइट पे नोटिस किया होगा कि जो या तो वो ब्लॉग होता है या फिर कोई चैट सिस्टम है या फिर किसी तरीके का आर्टिकल पब्लिश करने वाली वेबसाइट है, उसमें आप देखोगे जब आर्टिकल पब्लिश होता है तो उसके दो तरीके से टाइम दिखाए जाते हैं। एक तो होता है डेट और उसका टाइम साथ में दिखा है, या फिर आपको टाइम है वो फॉर्मेट इस टाइप का फॉर्मेट दिखता है पब्लिश नाउ, या फिर 1 सेकेंड है वो, 2 सेकेंड है वो, 1 वीक है वो, 1 ईयर है वो, 1 मंथ है वो, इस टाइप के फॉर्मेट दिखता है। मोस्ट ऑफ द आप जैसे फेसबुक पे आप यूज़ करेंगे या फिर इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो उसमें आपको इस तरीके की चीज़ें मिलती है। इस फॉर्मेट में डाटा आपको दिखता है कि ये आर्टिकल्स कितने टाइम या पोस्ट कितने टाइम पहले पब्लिश हुआ है। सेम ये चीज़ अगर आपको अपनी वेबसाइट पे करना है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट ब्लॉगर की है, अगर उस पे चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट पे कि आपका जो भी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो टाइम और डेट ना शो होकर इस तरीके से हो कि 1 वीक है वो, 2 वीक है वो, या 1 मंथ है वो, 2 मंथ है वो, या फिर 1 ईयर है वो, इस टाइप के फॉर्मेट में शो हो, तो आप उसको इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं एक छोटा सा कोड इम्प्लीमेंट करके। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वो कोड क्या है और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने PHP की वेबसाइट में या फिर अदर वेबसाइट में, चाहे वो किसी और प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हो। तो मैं प्रदीप कुमार ट्रूल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूँ। सो इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स मेरा ऑलरेडी पब्लिश है, tutorialwebsite.com पे आप जाएंगे सो ये आर्टिकल्स आपको दिख जाएगा। अगर आप काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। सो इसमें मैंने क्या है हर एक स्टेप को डिफाइन किया हुआ कि कैसे हम कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके हम इस चीज़ को गेट करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेट टाइम डिफरेंस। इसमें क्या होता है जिस डेट में आर्टिकल्स पब्लिश हुआ है जो भी डेट है और टाइम है उसको हम लेते हैं और करंट का जो डेट और टाइम है उससे डिफरेंस निकाल के हम चेक करते हैं। अगर वो लेस देन 1 होता है देन कि वो जस्ट नाउ अभी पब्लिश हुआ है, अगर उससे आगे होता है देन उसके आधार पे हम सेकेंड में, मंथ में, ईयर में और वीक में कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आगे और भी हम यहाँ पे यूनिट पहले से डिफाइन करते हैं। जैसे अगर आप चेक करेंगे सेकेंड में 1 हुआ तो यानी कि सेकेंड हो गया, और 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरीके से फिर डेज में कन्वर्ट करने के लिए आगे मल्टीप्लाई करते हैं, वीक में कन्वर्ट करने के लिए कितने सेकेंड होने चाहिए वो यहाँ पे हम पहले से डिफाइन करके रखते हैं, मंथ के लिए कितने यहाँ पे सेकेंड होते हैं एक मंथ में वो यहाँ पे पहले हम डिफाइन करते हैं टाइम यूनिट्स को, ईयर में कितने होते हैं वो हम यहाँ पे टाइम यूनिट्स को पहले से एक एरे के अंदर हम फीड करके रखते हैं जिसके आधार पे हम कंपेयर करके चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर लार्ज अमाउंट में लार्ज यूनिट है कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम सिंपल से यहाँ पे फॉर ईच फंक्शन में जो भी हमारा टाइम होगा उसको पास करेंगे और उसमें से टाइम एगो जो कि हम मैंने ऊपर दिखाया आपको इस वाले में कैलकुलेट करके जो निकालते हैं टाइम एगो को डिफरेंस से उसको चेक करेंगे हमारे यूनिट्स के साथ, और उस यूनिट के आधार पे जो उसमें लाए करेगा जिस एरे के अंदर जिस वैल्यू के अंदर उसको मतलब मैप करेगा उसी के अंदर का डाटा हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए इसको लाइव करके देखते हैं। तो लाइव करने के लिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैंने एक HTML बनाया है जो कि हमारा एक फोल्डर है टाइम एगो का, यहाँ पे टाइम एगो के फोल्डर के अंदर मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाया है जिसके अंदर मैंने सिंपल से क्या क्या H1 टैग लिखा हुआ है जिसके अंदर आप देखोगे तो ये लेआउट आ रहा है। ठीक है, सो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि HTML बना लेते हैं, HTML यहाँ पे ठीक है कोड करते हैं सिंपल सा और इसके अंदर हेड करते हैं और इसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो जो हमारा टाइटल है आर्टिकल्स का टाइम एगो फॉर्मेट, मान लो ये मैंने टाइटल दे दिया। ठीक, इसके बाद हम सिंपल सा बॉडी बनाएंगे और बॉडी के अंदर और भी कोड आप कर सकते हैं, अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो बूटस्ट्रैप की फॉर्मेट, अब यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा हम इसको एक डिव लेता हूँ और इसके अंदर हम एक कंटेनर लेते हैं, अब यहाँ क्लास का नाम देते हैं कंटेनर। ठीक है, अब यहाँ पे साथ साथ मैं हेड में आता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टाइल बनाता हूँ सिंपल सा, मैं CSS भी इसी फाइल में कर रहा हूँ, अलग से फाइल नहीं बनाता। ठीक है, अब इसको मैं कंटेनर यहाँ पे ले जाऊँगा और यहाँ पे सिंपल सा मैं इसको एक क्लास में इसकी कुछ CSS प्रॉपर्टी दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए विड्थ में देता हूँ 60%। ठीक है, और मार्जिन कर देता हूँ ऑटो, नहीं ऊपर नीचे से मार्जिन मान लीजिए मैंने दे दिया 5-10% और लेफ्ट राइट से ऑटो हमने दिया। सेव करेंगे,
अब इसके अंदर मान लीजिए मैंने ले लिया एक H1 टैग, ठीक है, और इसको हम टाइम दे देते हैं कैलकुलेटिंग टाइम एगो फॉर्मेट, ठीक है, सिंपल सा मैंने एक यहाँ पे इसको टाइटल दे दिया और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हमारा सेव करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है अपलोड करने का, क्योंकि फाइल जिला हम यूज कर रहे हैं, दोबारा से सेव करके एक बार फिर से अपलोड करते हैं, ठीक है, अपलोड हो गया, एक बार फिर से हम कंफर्म कर लेते हैं, यस अपलोड हो गया, तो इतना करेंगे। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लेआउट में आपको चेंजेस दिखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे है और ये टाइम है वो फॉर्मेट टाइटल है यहाँ पे, इसको टाइटल टैग के अंदर लेना, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे टाइटल टैग लेंगे, सेव करेंगे और फिर से यहाँ पे पब्लिश करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे ऊपर टाइटल टैग, ठीक है, सो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला फॉर्मेट जो मैंने यहाँ को आपको दिखाया कि इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेते हैं, ठीक है, इस फंक्शन को अपने कोड में सबसे पहले हम यहाँ पे PHP लिखेंगे कोड, और इसके अंदर सिंपल सा हम इसको पास कर देंगे इस फंक्शन को, ठीक है, ये फंक्शन है टाइम स्टैम्प, जो भी हम यहाँ पे फॉर्मेट देंगे वो करंट टाइम से डिफरेंस करेगा। और यहाँ पे अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक यूनिट डिफाइन करते हैं सिंपल सा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम एक यूनिट डिफाइन कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास ईयर में सेकेंड्स कितने होते हैं, मंथ में, वीक में, डेज में, आवर में, मिनट्स में और सेकेंड में, ये यहाँ पे सिंपल सा एक एरे डिफाइन किया हुआ है। अब इसी एरे को क्या है, वन बाई वन मतलब फॉर ईच लूप में लेंगे और इससे डाटा निकाल के हम ये टाइम एगो को चेक करते रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर ईच यहाँ पे निकल रहा है, फॉर ईच फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करते हैं और इस फॉर ईच फंक्शन को आगे हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। सो इसमें क्या होगा, ये जो टाइम यूनिट्स है, ठीक है, इसी को क्या किया है एरे फॉर्मेट में, की और वैल्यू के फॉर्मेट में यहाँ डाटा लिया है हमने, और यहाँ पे जो टाइम एगो आ रहा है ये देखिए एक वैल्यू है, वैल्यू हमारा की के अंदर है, तो हम क्या करेंगे यूनिट सेकेंड से कंपेयर करेंगे कि इससे लेस है यानी कि एक से लेस है तो नाउ हो गया, ठीक है, और उस एक से ज़्यादा है यानी कि मिनट 60 से लेस है तो यहाँ पे आ जाएगा इतने सेकेंड है वो मतलब 59 सेकेंड है वो, अगर मान लो 59 है, 60 से कम है तो 59 सेकेंड है वो, अगर 60 से ऊपर हो गया तो 1 मिनट है वो, इस तरीके से डाटा यहाँ पे कैलकुलेट होके दिखाएगा, ठीक है, रिटर्न में हमें वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे ये हो जाएगा देन हम यहाँ पे देखोगे कंप्लीट कोड भी है, ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है सिंपल सा इसको प्रिंट कराना है। अब उसको प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल सा ऐसे करेंगे। अब उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, करंट टाइम भी हम शो करा लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे इको करता हूँ, ठीक है, इसमें डालता हूँ H1 टैग को ओके, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, इसको करते हैं इसके अंदर और इसके अंदर H1 टैग बंद। अब इसको बोलते हैं करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प इसको हमने कर दिया और यहाँ पे हम करंट टाइम स्टैम्प कर रहे हैं तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे डेट फंक्शन और इसके अंदर से निकालेंगे डेट टाइम ईयर्स का डाटा, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है, ईयर डेट ईयर मंथ सबसे पहले ईयर उसके बाद मंथ उसके बाद डेट उसके बाद स्पेस देंगे फिर HIS जो आवर्स सेकेंड मिनट तीन में यहाँ पे कन्वर्ट होके आपको डाटा मिलेगा, ठीक है, इसके बाद डॉट लगा देते हैं और लाइन को ब्रेक कर देते हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए ईयर टैग यूज करेंगे, ठीक है, और H1 टैग यहाँ पे क्लोज है तो इसको यहाँ से उठाएंगे और इसको क्लोज करेंगे यहाँ, सो यहाँ पे डाटा दिखे, ठीक है, इसको दे दिया क्लास, इसको देते हैं करंट टाइम, ठीक है, और इसके आगे हम स्पेस लगा देते हैं, स्पैन यूज कर लेते हैं, सो दिखाने के लिए क्योंकि कलर और चेंज करेंगे ना हम कलर के हिसाब से, ठीक है, और इसको भी एक क्लास में डिफाइन कर देते हैं करंट स्टैम्प सिंपल, आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं आपके ऊपर है, और सेम H1 टैग में इसको कॉपी करता हूँ और इसके बाद करते हैं, ठीक है,
जो टैब हम दे रहे हैं, तो इसको आप कर देते हैं यूजर पब्लिश आर्टिकल पब्लिश आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं, इसका नाम आर्टिकल्स पब्लिश टाइम स्टैम्प, और वो आर्टिकल्स टाइम स्टैम्प कौन सा होगा, ये जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं सिंपल सा, इस टाइम स्टैम्प को यहाँ पे कर देते हैं और इसको दे देते हैं पब्लिश पब्लिश टाइम पब्लिश स्टैम्प, ठीक है, और इसको भी कर देते हैं पब्लिश टाइम और पब्लिश स्टैम्प, और यहाँ करंट टाइम और करंट स्टैम्प, और ये हो गया टाइम ए वो का, ठीक है। अब इसके अंदर हम फिर इसके अंदर भी हम कुछ बना लेते हैं टैग, लाइक H1 टैग है तो इसको हम थोड़ा सा H2 कर देते हैं और इसको लिख देते हैं टाइम ए, और इसके आगे स्पेस, और यहाँ पे हम H2 इसको कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे देते हैं H2, और H2 को करना है क्लोज, ठीक है, इसको सेव करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सेव करते हैं तो यहाँ पे क्या हमें मिलता है, रिफ्रेश करते हैं, पेज पे जाते हैं, ओके, अब इसको सेव नहीं किया, सेव करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको देख रहा है कैलकुलेट टाइम ए वो, उसके बाद आर्टिकल्स का पब्लिश टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प और टाइम ए वो। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला H1 है तो इसको H3 करते हैं, ऊपर टाइटल हमारा H1 था ना यहाँ पे, ठीक है, इसको H3 कर देते हैं, इसको H4 कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा CSS करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट पब्लिश टाइम को कर देते हैं कलर, ठीक है, इसका कलर मैंने कर दिया मान लीजिए रेड, ठीक है, और इसके जो इसका जो पब्लिश टाइम है इसको हम कर देते हैं बैकग्राउंड, इसका कलर कर देते हैं येलो, बैकग्राउंड को येलो मैंने कलर दे दिया, और इसके टेक्स्ट कलर को दे देते हैं वाइट, इस पे वाइट नहीं काम करता है, अच्छा येलो में ब्लैक कर देते हैं एक बार के लिए, नहीं हुआ तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा पैडिंग भी कर देते हैं टेक्स्ट में 2 पिक्सल, सेम इसी तरीके से हमारा अगला है करंट टाइम स्टैम्प, इसको जाते हैं टाइम स्टैम्प को हम CSS देते हैं कुछ प्रॉपर्टी, सिंपल कॉपी कर लेते हैं इससे, कलर की जगह यहाँ पे रेड की जगह इसको कर देते हैं ग्रीन, क्या है ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और जो अगला CSS प्रॉपर्टी है करंट स्टैम्प को कर देते हैं यहाँ से उठाते हैं सेम चीज, बट यहाँ पे चेंज बस क्या करेंगे, इसको ग्रीन किया है, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ रेड, रेड में कलर कर देता हूँ येलो और सिंपल, उसके बाद लास्ट हमारा बचता है टाइम ए वो, इसको कर देते हैं क्लास टाइम ए वो, इसको ग्रीन कर देंगे कलर को इसके डबल, इसको कलर कर देते हैं, कलर को करते हैं ब्लू, अभी देखते हैं थोड़ा चेंज करेंगे रिक्वायरमेंट के आधार पर। अब ये सेव हो गया, अब यहाँ पे जाके पब्लिश कर देंगे, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, पब्लिश नहीं हुआ क्या, टाइम क्लास क्लास ठीक है, सब कुछ तो सही है, इसको एक बार फिर से करते हैं पब्लिश, मे बी पब्लिश ना हुआ, हो गया, रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखिए आर्टिकल्स का पब्लिश टाइम स्टैम्प आ गया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, करंट टाइम स्टैम्प हमको यहाँ पे दिख रहा है, जो हमने पब्लिश किया वो तो 3 तारीख का हमने डेट दिया और आज का तारीख है 18, तो यहाँ पे आ रहा है 2 वीक ए वो। अब हम डेट को चेंज करके देखते हैं एक बार क्लियर, सो यहाँ पे हमें डेट चेंज करना है, तो एक काम करते हैं, एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे है, दो जगह है, उसकी बजाय हम क्या करते हैं दो जगह करने के लिए
इसको एक वेरिएबल बना देते हैं पब्लिश डेट, ठीक है। पब्लिश डेट के अंदर हम सिंपल से क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं अभी इसके अंदर, इसको पास करके, और इस वेरिएबल को हम सिंपल यहाँ पे पास करते हैं पैरामीटर में, और इसको भी स्टैटिक की जगह हम इसको डायनेमिक कर लेते हैं, यहाँ हमारा लगा के ऐसे पेस्ट कर देते हैं। अब सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, यस करेंगे तो यस करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी सेम होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक जगह चेंज करना होगा, दोनों जगह पब्लिक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 23 की जगह यहाँ पे मैं करता हूँ 17, क्योंकि 18 करंट डेट टाइम है और पब्लिश किया मैंने, सेव किया और अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे अब रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए आ गया 18 घंटे पहले ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। अगर इसको और मॉडिफाई करके इसको करते हैं, अभी हमारा टाइम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हुआ है 14:55, ठीक है। अब यहाँ पे 18 करते हैं और इसको करते हैं 14, और यहाँ 55 इसको हम कर देते हैं और सेव करते हैं, 55 कर दिया, अब सेव करते हैं तो और रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया 1 मिनट 1, यानी कि यहाँ पे अब सेकेंड्स ज़्यादा हो गया, क्योंकि 55 है और 56 है, अगर हम इसको अभी जस्ट अभी 56 कर दें तो यहाँ सेकेंड्स में आ जाएगा मिनट की जगह, क्योंकि तो अभी कुछ सेकेंड हुए होंगे पब्लिश किए हुए, डेट चेंज हुआ, ये देखिए 23 सेकेंड है वो। तो इस तरीके से टाइम को आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, जो आपका पब्लिश टाइम होगा उसको पास करेंगे इस वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे इस तरीके से आपको टाइम एवो का फॉर्मेट मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप इस आर्टिकल्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चले जाइए, या फिर आप हमें ट्यूटोरियल वेबसाइट पर डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसको और इस चीज़ की नॉलेज गेन करें। आज के लिए हम ये रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।